अम्ब्रेला कट स्कर्ट की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। स्कर्ट का मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 28 इंच, वेस्ट 24 इंच। स्कर्ट के लिए हमें ये मेजरमेंट चाहिए होते हैं, ये हमारे पास है। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ किस प्रकार से लेंगे? लेंथ लेने के लिए फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। फुल लेंथ हमारी 28 इंच है, 28 इंच में हम सीम अलाउंस रखेंगे, हाफ इंच टर्निंग हम देंगे डेढ़ इंच की। ये टोटल हो जाएगा हमारा 30 इंच। लेकिन हमें बेल्ट माइनस करनी है अब इसमें, तो 30 में फुल मिली हमें, 30 लेंथ मिली है तो फुल लेंथ हमारी है, उसमें से बेल्ट माइनस करेंगे। यानी 28.5 इंच हमारी लेंथ निकल के आई। अब हमें लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के लिए 28.5 इंच अम्ब्रेला कट जो स्कर्ट है उसमें ध्यान देना होता है। 28.5 इंच हमारी जो टोटल लेंथ है उसमें हम ऐड करके चलते हैं, जो हमें रिड्यूस करना होता है, जो हमें घटाना होता है उसको भी हम ऐड करके चलते हैं। वो हमें ऐड करना होता है वेस्ट का 8, जो भी हमारा वेस्ट का 8 आता है वो हम उसमें ऐड करके चलते हैं, लेंथ में और विड्थ में भी। सबसे पहले हम ये लेंथ लेंगे, जितनी लेंथ ली है उतनी ही हम विड्थ लेंगे। लेंथ और विड्थ इधर भी यहां लेंथ का निशान लगाएंगे। जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही हम यहाँ नीचे रेखा खींचेंगे। ये लेंथ ली 28.5 और इसमें ऐड करना है हमें वेस्ट का 8। वेस्ट को डिवाइड करना है 8 से। जब हम वेस्ट को डिवाइड करेंगे 8 से, वेस्ट विड्थ जो हमारी निकल के आएगी, जो हमें लेनी है वेस्ट डिवाइड बाय 8। 24 वेस्ट है, 24 वेस्ट को 8 से डिवाइड करने पे 3 इंच निकल के आएगा। अब जो हमने ध्यान देना, जो हमने लेंथ ली है वो 28.5 प्लस 3, इन दोनों को प्लस करके हमने ये लेंथ ली है 3 इंच ये और 28.5 इंच ये। जितनी भी हमारी टोटल लेंथ आई 28.5 और 3, 28.5 और 3 हमारा हुआ 31.5 समथिंग। ये हमने लेंथ ली और ये हमने विड्थ ली। अब ये जो हमारा निशान, ये जो हमारी वेस्ट निकल के आई है वेस्ट डिवाइड बाय 8 3 इंच, ये यहां से इस कोने से 3 इंच नीचे निशान लगाना है, यहां से 3 इंच नीचे लगाना है और 3 इंच ही यहां पे लगाना है। इसी तरीके से हम यहां पे इक्वल लेके 3-3 इंच पे ये गोलाई करेंगे। यहां पे यहां से यहां पे आप 3 इंच पे ये पूरा 3 इंच का ये गोलाई करोगे इस तरीके से। यहां पे ध्यान देना है आपने, इक्वल रखना है ये और ये। यहाँ पे हमने ये निशान लगाया वेस्ट डिवाइड बाय 8, हमारा निकल के आया 3 इंच। वेस्ट डिवाइड बाय 8, वेस्ट डिवाइड बाय 8 3 इंच, यहाँ पर भी वेस्ट डिवाइड बाय 8 3 इंच, और इस तरीके से ये गोलाई का निशान लगाना है। अब हमें जो लेंथ लेनी है
हमारी जो लेंथ है 28.5, ये 28.5 हमने यहाँ से मेजर करनी है और इस तरीके से मेजर करते हुए हमें यहाँ पे राउंड शेप देनी है। यहाँ से आप मेंशन करेंगे जितनी भी आपकी लेंथ है, 28.5 है या जो भी हमारी लेंथ होगी, उसको हम इस कॉर्नर से और यहाँ तक जो लेंथ है उससे इंडिकेट से या अपने स्केल की सहायता से निशान लगाते हुए चले जाओगे। अगर यहाँ से लगाओगे तो हम 28.5 लगा रहे हैं, यहाँ से लगा रहे हैं तो 3 इंच उसमें और ऐड कर देंगे, उतने ही हम लेंथ लेके निशान लगाएंगे और ये हम अपनी गोलाई का निशान इस तरीके से लगाएंगे और इसकी शेप कर देंगे। ये निशान मैंने आपको दिखाने के लिए कि भाई इस तरीके से हमें लगाना है निशान, हम डायरेक्ट भी इसकी बिना निशान लगाए गोलाई कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए ये यहाँ से मैंने निशान मेंशन किए। ये यहाँ से हमने यहाँ पे लेंथ का निशान लगाया और ये इस तरीके से हमें शेप देनी है। ये शेप देने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है हमने यहाँ पे कितना लिया, ये यहाँ पे वेस्ट डिवाइड बाई 8 किया, 3 इंच आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक का जो है 28.5 है, यानी 28.5 इंच। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमारी वेस्ट है 24। बेल्ट की जो लेंथ है वेस्ट का हाफ करेंगे, प्लस करेंगे उसमें 1 इंच। वेस्ट का जो हाफ करेंगे तो हमारा होगा 24 है, 24 का हाफ किया 12 इंच, 12 इंच में 1 इंच जमा किया 13 इंच, और जो चौड़ाई होगी हमारी बेल्ट की वो होगी 1.5 इंच, क्योंकि हमने यहाँ पे 1.5 इंच माइनस किया हुआ है, तो ये होगी हमारी 1.5 इंच। लेंथ निकल के 30 और विड्थ निकली 1.5। यहाँ पे हम बेल्ट बनाएंगे अपनी। बेल्ट की लेंथ हमने लेनी है 13 इंच और विड्थ लेनी है 1.5 इंच। ये हमारी स्कर्ट की बेल्ट है। ये यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ ली है वो हमने 1.5 इंच ली है। अगर हम 2 इंच माइनस करते तो 2 इंच लेते, हमने 1.5 किया तो हमने 1.5 ली है। ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट की लेंथ हमने निकाली थी, वेस्ट का हाफ किया था, वेस्ट का हाफ हमारा 12 आया, प्लस हमने उसमें 1 किया, हमारी जो बेल्ट की लेंथ निकल के आई 13 इंच। 1.5 इंच चौड़ाई करनी है और लंबाई जो है इसकी 13 इंच करनी है। यहाँ पे आप ये हमने यहां से यहां तक प्लस 3 भी किया हुआ है हमने इस चौड़ाई में। यहाँ पे हमने यहाँ 3 प्लस कर दिया है, यहाँ पे हमने यहाँ पे शो कर दिया है, ये टोटल हमने लेंथ जो है इसकी चौड़ाई ली है स्कर्ट की। तो ये हमारी स्कर्ट बनके कंप्लीट हुई।